बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी माइंड देखने वाले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज हम आपके चैनल में आपको सिखाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शामी बर्गर। शामी बर्गर बनाना घर पे बहुत ही आसान है। शामी रेडी करके आप पहले से सेव कर सकते हैं। शामी बनाने की रेसिपी मैं पहले अपने चैनल हेल्दी बाइट में दे चुकी हूँ। तो आइए अपना बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बर्गर बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का लगेगा। जो फ्लेवर आपको रेस्टोरेंट में मिलता है बिल्कुल सेम आपको वो फ्लेवर मिलेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चॉप की हुई कैबेज चाहिए। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैबेज को चॉप कर लीजिए। मैंने 1 बाउल कैबेज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब उसको अपने मिक्सिंग बाउल में डालें और सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मायनीज़। अच्छे ब्रांड का मायनीज़ यूज़ करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर ऐड करने से जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट पे जो हम बर्गर खाने जाते हैं वो सेम इसी तरीके से बनाते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपको लगे कि इसमें मायनीज कम है तो और ऐड कर सकते हैं। जब कैबेज में मायनीज अच्छे से मिक्स हो जाए और वो एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाए तो आपने उसे एक साइड पर रख देना है। और अब हमें चाहिए होगा एग। एग को अच्छे से बीट करें। बीट करने के बाद आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने बर्गर बना रहे हैं 2-3 उसी हिसाब से आप शामी निकालें और इसमें डिप करके पैन में या आप चाहें तो तवे पे ऑयल डालें और ये इसको फ्राई करने के लिए रख दें। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई करने के बाद आपने शामी को उसी तवे के ऊपर साइड पे कर देना है ताकि वो गर्म रहे। और साथ ही हमें मज़ीद 2 एग बीट करके तवे पे जो ऑयल बचा हुआ है उसी में फ्राई कर लेना है, क्योंकि हम एग शामी बर्गर रेडी कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एग चाहिए होगा। अब एग को आप 2 पीसेस में कट करके उतार लें और उसी तवे पे आप 1 टेबलस्पून और ऑयल डालें और अपने बंद को दोनों तरफ से अच्छे से गरम कर लें घुमा के, ताकि अच्छे से वो क्रिस्पी बर्गर बने। अच्छे से हमने इसको गरम कर लिया। अब अपने बंस को एक डिश में रखें और जो उसके बन की नीचे वाली साइड होती है उसके ऊपर अपना रेडी जो सैलेड हमने तैयार किया था मेयोनीज के साथ उसके अच्छे से कवर कर दें। पूरा बन जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। दोनों बन जो हैं वो आप इसी तरह कवर करें और जितना आप चाहें उतना सैलेड रखें। अब हमें इस सैलेड के ऊपर अपने जो शामी रेडी किए थे वो 1 बाय 1 दोनों बन के ऊपर रखेंगे और स्पून या फोक की मदद से उसको थोड़ा सा हमने फैला लेना है ताकि वो पूरे बन में एडजस्ट हो जाए। अच्छे से एडजस्ट करना है। ये देखें, अब हमने इसे फोक की मदद से अच्छे से फैला के थोड़ा सा पूरे बन पे एडजस्ट कर दिया है ताकि ये यकसा हर बाइट में हमारे पास शामी का टेस्ट आए। अब हमने अपने शामी के ऊपर अपना केचप लगाना है अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से। 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जो आप चाहें लगा सकते हैं।
अब हम दूसरे बन पे जो ऊपर वाला कवर होता है उसके ऊपर मेयोनीज अच्छे से कवर करेंगे दोनों बंस पे। अब शामी वाले बन के ऊपर हम वेजिटेबल लगाएंगे। यहाँ मैं टमाटर लगा रही हूँ, आप जो चाहें लगा सकते हैं। दोनों बन को तवे पे रखें, फ्राई अंडा इसके ऊपर लगाएं और कवर करके दोनों तरफ से अच्छे से दबा के प्रेस करके गर्म कर लें। मज़ेदार एग शामी बर्गर इज रेडी। सेंटर से कट करें, गर्मा गर्म मेहमानों को सर्व करें, खुद खाएं। जी तो व्यूवर्स, एग शामी बर्गर की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल हेल्दी बाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हेल्दी बाइट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।